जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं, तकलीफें भी बहुत हैं, हर पल हर क्षण एक नया संघर्ष है। ये संघर्ष तब बहुत बड़ा लगता है जब ये आपके अपने अंदर चल रहा हो। अंदर तब चलता है जब रिश्ते खराब होते हैं, जब संबंध बिगड़ते हैं, जब रिलेशनशिप टूटती है, जब आपके अपनों से आपका व्यवहार खराब हो जाता है। इसके लिए कुछ खास नहीं करना, रात में सोते समय ये शब्द और ये नंबर एक साथ बोल कर सो जाइए। बोलते समय अपनी ये उंगली आंख पर जरूर रखना। ऐसा करने से एक अजीबोगरीब व्यवस्था का आप हिस्सा होंगे और आपके जीवन में वो होगा जो आपने कभी नहीं सोचा था। जानिए ये पूरा चमत्कारिक तरीका एक्चुअली कैसे करना चाहिए। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। परम पूज्य श्री सदगुरु नाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सदगुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सदगुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सत्मार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पारिवारिक लाइफ को, आपकी निजी लाइफ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर आपके पक्ष में बनाया जाता है। यहाँ पर आपके रिश्तों को, संबंधों को, वैवाहिक जीवन को, मैरिटल लाइफ को, शादीशुदा लाइफ को ठीक ही नहीं किया जाता, उसे रिपेयर करके आपके पक्ष में बनाया जाता है। जिंदगियों में मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, पर लव विद एस्ट्रोलॉजी उसका सीधा सलूशन है। आपको जिताना, आपको स्पेशल बनाना, हर रिश्ते में आपको अग्रणी बनाकर आपको श्रेष्ठ बनाना, आपको जीवंत करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक काम है। हम लोग पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट कर चुके हैं। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है, ये रोज बढ़ रहा है। ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इस ग्राफ को बड़ा किया जा रहा है। और
ये सब कुछ तब हो रहा है जब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा जो श्रद्धा है, तुम्हारा जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। इसलिए और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के काम हो रहे हैं। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो शास्त्रोक्त होते हैं, वेदोक्त होते हैं, प्रमाणित होते हैं और पूरी तरह से उस पर प्रशिक्षण कर रिसर्च करके आपके साथ साझा किया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि सोते समय, सोने के बाद एक अजीबोगरीब शक्तियां बनती हैं। मैं कह रहा हूं सोते समय ये शब्द और ये अक्षर, शब्द और नंबर, माफ कीजिएगा, बात है शब्द और नंबर की, शब्द और नंबर दोनों मिलाकर के बोलना है, बोलने का तरीका, और आपकी एक उंगली आपके दोनों आंखों पर होनी चाहिए, दोनों हाथों की एक एक उंगली आपके आंखों के ऊपर होनी चाहिए और ऐसा करके आप सो जाइए। उसके बाद आप देखिएगा जिसे आप देखना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे अपना बनाना चाहते हो। दुनिया में कोई भी चीज जब दिल से शुरू होती है तो उसका संबंध आंखों से होता है। ध्यान से समझिएगा, मनसो और महीप नहीं, द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे, मन ता ही हाथ बिकान। मन उसका ही हो जाता है जिसको आंखें देखना चाहती है। आंखें जिसे भी सुंदर मानती हैं, हर व्यक्ति की आंखों का दृष्टिकोण अलग है। किसी को काला सुंदर लगता है तो किसी को गोरा, किसी को कोई बहुत हाइट वाला व्यक्ति पसंद होगा तो किसी को बहुत छोटी हाइट का, किसी को बहुत दुबली पतली लड़की पसंद है तो किसी को बहुत मोटी। हर व्यक्ति की अपनी आंखों का अपना दायित्व है और अपना मापदंड है और अपना एंगल है कैमरे की तरह। हर आंखों की सुंदरता, हर आंखों में सुंदरता, सब कुछ अलग है। सुंदरता आंखों को खींचती है और आंखें मन को मैसेज करती है और मन गुलाम हो जाता है। ऐसा कह रहा हूं, आंखें बहुत महत्वपूर्ण काम करती है प्यार में। एक पुरानी पिक्चर में एक सॉन्ग था, अखियों के झरोखों से, कितने ही गाने ऐसे, आंखों की बातें एक बार नहीं हजारों लाखों बार आपको उपमा मिली होगी। आंखों का संबंध प्यार में सबसे प्राथमिक है। जिस प्रकार से ज्योतिष पूरे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही प्रेम के लिए आंखें सबसे महत्वपूर्ण है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, वेदों का जो चक्षु है वो कौन है? ज्योतिष है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, ज्योतिष जो है वो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का नेत्र है। वैसे ही प्रेम के लिए नेत्रों का अनुकूल होना, ये चर्म चक्षुओं की बात केवल मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आत्म चक्षुओं की बात भी कर रहा हूं। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि प्रेम के लिए चक्षुओं का, आंखों का एकाग्रचित्त होना, आंखों का एक ही जगह स्थगित होना बहुत आवश्यक होता है। जब आंखें आपकी चारों तरफ ढूंढ ढांड के एक जगह टिक जाती हैं, वहां पर मन आपका बिक जाता है। आंखें टिकी तो मन की स्थितियां बिकी, ये बिल्कुल समतल लेता है। बहुत गहराई से एक बात समझिएगा, देखने के लिए अगर दिल कहता है कि कोई चीज बहुत सुंदर है, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका जो भी रिश्ता है वो बहुत सुंदर है, आपका बच्चा ही क्यों ना बहुत सुंदर है, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें, देखो ये बैठे ए मुरलीधर। आंखें दिल का हाल बताने के लिए, आंखें दिल तक बात पहुंचाने के लिए प्राथमिक वर्क करती है। आंखों को तांत्रिक तरीके से जब शरीर बनाया गया तो आंखों को पृष्ठभूमि में रखा गया,
सन्मुख रखा गया। तो दिल और आत्मा का सीधा संबंध तुम्हारे चक्षुओं से है। हाँ, एक पुजारी, एक प्रेमी अपने भगवान के चरणों में जाकर के कहता है आंखों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आंखों की का कितना महत्व है इस बात में। स्वामी सब कुछ मांग लियो, जो कछु मारे पास, दो नए नामत मांगियो, थारे दर्श की आस। सब कुछ ले लो स्वामी, आंखें मत लेना, क्योंकि आंखों से आपके दर्शन होते हैं हमें। आंखें वो सुख पहुंचाने का साधन है। आपको पता है आप घर में खाना ज्यादा खाते हो, होटल्स में क्यों कम खा पाते हो? क्योंकि वहां के एम्बियंस की वजह से, वहां जो सौंदर्यता है, आंखें उससे भर चुकी होती है, थक चुकी, खा चुकी होती है। वहां आपके कान संगीत से भर जाते हैं, आंखें एम्बियंस और वहां के माहौल और उसकी साजो सज्जा से थक जाते हैं या भर जाते हैं, और पेट खाने से थोड़े से ही भर जाता है। घर में सिर्फ खाना होता है, इसलिए आप घर में ज्यादा खाना खाते हैं। जद्यपि वो गरिष्ठ भी होता है, एक बात वो भी है कि वो ज्यादा गरिष्ठ होता है, ज्यादा रिच होता है, लेकिन एक बात ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां के एम्बियंस पे इतना काम नहीं किया जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो वहां के साज सज्जा पर, वहां के संगीत पर, इन सब चीजों पर इतना काम नहीं किया जाता। हर इंद्रिय का अपना अलग महत्व है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 10ों के 10ों इंद्रियां प्रेम का बेसिक प्रतीक है। जिस प्रकार शरीर के 5 महाभूत, वैसे शरीर की 10 इंद्रियां, ये बात आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। आप अगर इन 10 इंद्रियों के बारे में समझते हो तो आप इस बात को भी समझने की कोशिश करो कि ये 10 इंद्रियां ही हैं, इन्हीं से प्यार का सब कुछ होता है। प्यार की शुरुआत से लेकर अंत तक इन 10 इंद्रियों के आग के आसपास के अलावा कुछ नहीं है। और इन 10ों इंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण इंद्री आंख है आपकी, प्यार के दृष्टिकोण। ऐसा नहीं है जिनको आंख नहीं होगी वो प्रेम नहीं कर सकते। स्पर्श भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आंख बहुत मायने रखती है, दर्शन बहुत मायने रखता है। मंदिरों में हम क्या करते हैं जाकर के? दर्शन ही तो करते हैं केवल आंखों से। आंखों से देख लेने के बाद, आपको पता है बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आजकल है जिसमें कुछ बोला नहीं जा रहा होता, केवल कुछ दिख रहा होता है, उसने से ही आप सब समझ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट काम करते हैं आज, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ दिखा के आपको भावुक कर लेते हैं, आपको दुखी कर लेते हैं, आपको हंसा लेते हैं, आपकी हर फीलिंग्स को बढ़ा देते हैं, जिसको भी आप बढ़ाना चाहें। वो दर्शन में इतना 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 प्रबल स्थान है, इतना 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 प्रबल प्रवाह है, प्रभाव है, जिसमें ये सब कुछ बहुत सहजता से वो कर लेते हैं। चूंकि दर्शन दरस स्पर्श मजनु रूपाना, साहब शास्त्र कहता है, वेद कहता है, दर्शन का जीवन में सबसे संपूर्ण महत्व है। आप अपने प्रियतम को क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो जीवन के, पाना चाहते हो, स्पर्श करना चाहते हो, दरस स्पर्श मजनु, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो दिनचर्या के संतर्गत हो सकती हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट प्रेम है उसमें दरस्पर्श है। तो आज उसी दरस्पर्श को स्पर्श कर रहे हैं, आज उसी भावना को, उसी व्यवस्था को संपूर्णता में डाल रहे हैं। गहरी बातों को सहज बताने की वजह से इतनी सब बात बतानी पड़ती है। करना तो तुमको कुछ खास नहीं है, करना तो तुम्हें इतने है कि आंखों में ये उंगली लगाकर ये शब्द और ये नंबर एक साथ बोल दीजिए, बस और का कोई काम नहीं है। जब आप किसी भी उपाय को जड़ से समूल समझते हो, पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक उसको जान लेते हो, तो उसको करने का महत्व, उसका प्रवाह, उसका प्रभाव सारा कुछ बढ़ जाता है। प्रवाह मतलब उसकी स्पीड, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले आपके भी से अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। टेंशन आई थी, मैंने गुरुजी आपका नाम लिया
हो, टेंशन दूर हो गई, इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो वो सब कुछ कम्प्लीट हो जाए। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255 9936601255। अब सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उपाय थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन करने का तरीका बहुत सरल है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसका बल बहुत बड़ा है, इसकी ताकत बहुत बड़ी है, इसमें बहुत 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 ज्यादा एनर्जी है। इससे शादियां बसती हैं, विवाह बसता है, परिवार बसता है, घर बसता है, रिश्ते बसते हैं, संबंध बसते हैं, लोगों की जान बसती है। करके देखिए, विश्वास होना चाहिए, लेकिन पूरा श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। करना कुछ खास नहीं, सोते समय हाथ पैर धो करके अपना आराम से विश्राम कीजिए। सोने के पहले अपनी मिडिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर दोनों अपने आंखों के ऊपर रखिए और कोशिश करिएगा कि आपका अग्रभाग जो टिप्स है आगे की, वो आपके जो अंदर का मेन बॉल है उसके ऊपर टच हो रहा हो। इस प्रकार से आंख में रखिएगा। पूरी आंख बंद करने के बजाय 50% आंख खुली हो, खुली मतलब उसका ऊपर की सतह खुली होगी। जब आप ऊपर हाथ रखेंगे तो आंख खुली नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं पड़े, लेकिन ऊपर का हाथ मैंने जहां रखा है आप क्लोजअप में देख सकते हो कि जहां मैंने हाथ रखा है वहीं पे आपका हाथ होना चाहिए। और अब मैं वो मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपको बोलना है ओम ऋषि क्षत्रि छह और त्रि, ऋषि क्षत्रि, ऋषि क्षत्रि छ त्रि, ऐसे बोलना है। तो जैसे ही आप ये पांच बार बोलने के बाद प्रयत्न करिएगा कि अब आप बिना मतलब आंखें ना खोलें और विश्राम करें। जब आप सोते हैं तो अनेकों शक्तियां काम करती हैं, जब आप शयन करते हैं तो आपकी स्वप्न प्रणाली अपना काम करती है, आपकी आत्मा परमात्मा के साथ संवाद करती है। आप जब शयन करते हो तो आप नहीं होते, कई जन्मों के संसर्ग आपस में चल रहे होते हैं, एक अलग दुनिया है जहां आपका स्वागत होता है। एक्चुअली शास्त्र कहता है कि एक इंसान दो जगह जीवित रहता है। जब वो शरीर सोता है तो ये शरीर जगता है, जब ये शरीर जगता है तो वो शरीर सोता है, ऐसी मान्यता है। इसी वजह से पुराने लोग कहा करते थे कि किसी को कच्ची नींद में जगाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत बार ऐसा पहले हुआ है कि लोगों को कच्ची नींद जगाया गया और वो जगे ही नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि आप एक जगह नहीं दो जगह भी होते। ये यद्यपि बहुत प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी स्वप्न तो हम देखते हैं, ये तो प्रमाणित है। हम सोते में कहीं तो जाते हैं, ये प्रमाणित है। ये भी प्रमाणित है कि हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर से एनर्जी, शक्ति, पावर फिर उतनी ही आ जाती है। कोई तो तंत्र है जो काम करता है इसके पीछे, कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई पावर है जो काम करती है, उसी को जागृत करना है, वो आपके प्यार को जरूर बचाएगी। आप विश्वास मानिए, विश्व की शक्तियां अपना काम अपने समय पे करती हैं। सारे फूल अपने समय पे खिल रहे हैं, पत्तियां अपने समय पे सूख रही हैं और हरी हो रही हैं, पेड़ पौधे अपने आप छोटे बड़े हो रहे हैं, फल, पुष्प, सुगंध, वायु, सब कुछ अपने आप ऑटोमेशन पे चल रही है। ये चलाने के लिए कोई तो शक्तियां हैं, कोई तो व्यवस्थाएं हैं। जब आप गिनने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अनगिनत पुष्प हैं, अनगिनत
पशु पक्षी हैं, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिनको अभी तक पूरी तरह से जाना नहीं जा सका और उन्हें चलाने वाला बहुत मतलब युग युगों से चलाता चला रहा है। तो शक्तियों को प्रणाम करके इस काम को पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ करें, आपका कल्याण होगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा। प्रीवियस लाइफ मत बताइएगा, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है और किसी भी तरह से दुखी नहीं होना, अपना ख्याल रखना है, मुस्कुराना भूलना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं चिंतन करना। जब तुम ये सोचते हो कि काम होगा कि नहीं होगा, जब तुम एक जगह से जाकर के दूसरी जगह भटक रहे होते हो तो काम नहीं ही होता। विश्वास मानकर एक जगह टिक करके रहिए, समय आपका धीरे धीरे ही सही पर पक्ष में हो रहा है। कोई है जो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। मैं 24 घंटे में 22 घंटे आपके साथ होता हूँ, 2 घंटे पर्सनल चीजों के लिए। इतने परिश्रम को आपने बल दिया है, इसीलिए लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ 24 घंटे, तुम पर नजर है हमारी। ओम नमः शिवाय। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255।